मैं नहीं पहुंच सकता वहां तक इनके बगैर। जिस दिन ये उसके अंदर से सोच आ गई ना कि ये वहां तक नहीं पहुंच सकते मेरे बगैर, खलास। मेरी नजर के अंदर जरूरत है टीम आती ही तब है इंसान, जब उसको पता चलता है कि यहां तक पहुंचने के अंदर मेरी इंफरादी यूनिक सलाहियतें नहीं पहुंचा सकती। ये कैसे समझाएं एक लीडर को कैसे समझाएं कि भाई तू अपनी जिंदगी का सारा कमाल, सारा जमाल, सारी तकमील, सारी तजमील, सारी तनकीह, सारी एक्सप्लोरेशन, सारा एक्सपीरियंस भी डाल दे इस प्रोडक्ट, फिर भी ये वहां नहीं पहुंच सकता। ये है बुनियादी नुकता, दैट शेख आतिफ एक्सपीरियंस, शेख आतिफ स्ट्रेंथ, शेख आतिफ लाइफस्टाइल, शेख आतिफ लैंग्वेज, माय कल्चर, माय एजुकेशन विल नॉट बी एबल, ये मिदरार को वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां तक मिदरार होना चाहिए। ये मेरे अपने पर्सनल ब्रांड को भी वहां तक नहीं पहुंचा सकती, इसके पीछे बंदे चाहिए। ये बुनियादी नुक्ता होता है कि एक चीज के ऊपर दसियों दिमाग जब चलते हैं तो वो एम्पावरमेंट में आती है। जिस दिन वो ये समझ जाता है उसी दिन तो वो फिरौनियत छोड़ता है, उसी दिन तो वो अपना तकबर छोड़ता है कि भाई मैं नहीं पहुंच सकता वहां तक इनके बगैर। जिस दिन ये उसके अंदर से सोच आ गई ना कि ये वहां तक नहीं पहुंच सकते मेरे बगैर, खलास। इसलिए ये बड़ा बड़ा मसला है ना कि क्या लीडर को टीम चाहिए होती है या टीम को लीडर चाहिए होता है। ये पर्सपेक्टिव का इशू है मेरी नजर में। जहां पे लीडर ये कहता है कि भाई मुझे टीम चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, तो वो लीडरशिप अपनी, वो क्यादत अपनी टीम को, अपनी कौम को, अपने सूबों को अलहदा अंदाज में लेके चलता है। और जहां पर एक लीडरशिप को ये लगता है कि भाई मेरे बगैर ये कहीं नहीं पहुंच सकता, उस क्यादत और उस नज्म नज्म ज़ब्त और उस टीम और ऑर्गेनाइजेशन का आप हुलिया देख लें कहां पे हो सकता है।